एक लड़की एक स्टेशनरी स्टोर पे आई। उसने अपने पास का जो एक गुल्लक था जिसमें पैसे जमा करते हैं ना, तो वो वहां जाके वो काउंटर पे रखा, पटक दिया, बोले इसको ले लो। लड़की ने उसको गुल्लक को तोड़ दिया, उसमें से 19 रुपये निकले। बोले आप 19 रुपये ले लो, मुझे चमत्कार दो। दुकानदार बोले ये क्या लगाया बदतमीजी, चमत्कार क्या है, कौन सा चमत्कार 19 रुपये मिलेगा। नहीं बोले मैं घर पे थी, मेरे भाई को कैंसर हो चुका है, ब्रेन का कैंसर है, उसको बहुत पैसा लगने वाला है और वो हम पैसा जुटा नहीं सकते हैं। पिताजी बोल रहे थे कि अभी चमत्कार ही भाई को बचा सकेगा, इसलिए मैं चमत्कार लेने आया। वहां एक आदमी खड़ा था, वो देख रहा था सब ये। बोले कहाँ है भाई तुम्हारा, बोले घर पे। बोले मैं देखता हूँ क्या हो गया। तो और वो था फॉर्चुनेटली एक न्यूरो सर्जन, जिसने ये देखा कि वो लड़की की कितनी जिद है, उसकी कितनी हंगर है, उसका कितना प्यार है और वो कैसा क्रिएट करना चाहती है। तो आपके शब्द जो है वो आपकी दुनिया क्रिएट करते रहते हैं। वो लड़की हर हाल में कुछ ना कुछ करती रही, कोशिश करती रही और उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। उसको लगा बस मैं चमत्कार ही लाऊंगी और वो चमत्कार लेके आऊंगी तो भाई मेरा भाई ठीक हो जाएगा। और लिटरली चमत्कार हुआ और वो न्यूरो सर्जन ने उसके भाई को ठीक कर दिया ऑपरेशन करके, और वो चमत्कार से भाई ठीक हो गया। एक्चुअली वो न्यूरो सर्जन ने ठीक किया। मतलब देखो बच्चों के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बच्चों के लिए ऐसा कोई शर्मा शर्मी नहीं है। क्या हम वैसे बन सकते हैं? हम तो कितने बंदिश है, ये पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं, वो संभव नहीं, ये होगा नहीं, वो होगा नहीं, और सब रेसिग्नेशन की दुनिया में हम जीते हैं। क्या हम संभावना की दुनिया में जी सकते हैं कि यस एनीथिंग इज पॉसिबल? और वो यदि जीते हैं तो लिटरली एनीथिंग इज पॉसिबल। आपको भी अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।